भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। चीनी सीजन अक्टूबर से सितंबर 2021-22 में देश में 5 लाख मीट्रिक टन LMT से यानी अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है, जिसमें से लगभग 3574 LMT चीनी मिलों द्वारा कुचलकर लगभग 394 LMT चीनी का उत्पादन किया गया। इसमें से 35 LMT चीनी को एथेनॉल उत्पादन के लिए तो 359 LMT चीनी का उत्पादन चीनी मिलों द्वारा किया गया था। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार यह मौसम भारतीय चीनी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ है। गन्ना उत्पादन, चीनी निर्यात, गन्ने की खरीद, गन्ना बकाया भुगतान और एथेनॉल उत्पादन के सभी रिकॉर्ड सीजन के दौरान बनाए गए थे। सीजन का एक अन्य आकर्षक लगभग 109.8 LMT का उच्चतम निर्यात है, वह भी बिना किसी वित्तीय सहायता के, जिसे 2020-21 तक बढ़ाया जा रहा था। सहायक अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और भारत सरकार की नीति ने भारतीय चीनी उद्योगों की इस उपलब्धि तक पहुंचाने का काम किया है। इन निर्यातों ने देश के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भी अर्जित की है। चीनी उद्योग की सफलता की कहानी देश में व्यापार के लिए एक बहुत ही सहायक समग्र परिस्थिति की तंत्र के साथ केंद्र और राज्य सरकारों, किसानों, चीनी मिलों, एथेनॉल डिस्टिलरीज के समकालिक और सहयोगात्मक प्रयासों का परिणाम है। पिछले 5 वर्षों से समय पर सरकारी हस्तक्षेप चीनी क्षेत्र को 2018-19 में वित्तीय संकट से बाहर निकालने से लेकर 2021-22 में आत्मनिर्भरता के चरण तक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि SS 2021-22 के दौरान चीनी मिलों ने 1,18,000 करोड़ रुपए से अधिक के गन्ने की खरीद की और केंद्र से बिना किसी वित्तीय सहायता के 1,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान जारी किया है। इस प्रकार चीनी सीजन के अंत में गन्ना बकाया 6,000 करोड़ रुपए से कम है, जो दर्शाता है कि गन्ना बकाया का 95% पहले ही चुकाया जा चुका है। और ये भी उल्लेखनीय है कि शुगर सीजन 2020-21 के लिए 99.9% से अधिक गन्ना बकाया चुकाया गया है और स्थगित करने के लिए भी कहा है। टीम ने कहा है कि डेलावेयर चांसरी कोर्ट को अदालत के इस तरह के समापन या आगे के आदेश को लंबित करने के लिए परीक्षण और उससे संबंधित अन्य सभी कार्रवाई स्थगित करनी चाहिए। हाल ही में मस्क और अग्रवाल के बीच आदान प्रदान किए गए ग्रंथों का एक नया खजाना सार्वजनिक डोमेन में लीक हो गया था। आपको बता दें कि अभी फिलहाल चीनी का निर्यात बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।